एवरीबॉडी, कैसे हो सारे लोग? वेलकम बैक टू अवर न्यू चैनल राजवीर ऑल इन वन। तो गाइज, आज मैं आपको वो 6 चीज़ें बताने वाला हूँ जिनको कि मेरी लाइफ में ध्यान रखते हुए मैंने जो ज़िंदगी जी है या मेरे से गलतियाँ हुई हैं वो आप ना करो, और उनको जब मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया तो मुझे बहुत अच्छा ट्रैक मिला लाइफ में। आई एम श्योर आपको भी ज़रूर मिलेगा। तो 6 चीज़ें हैं, किसी किताब से पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, जो मैंने देखा है, जो मैंने सीखा है वो आपको बता रहा हूँ, ताकि इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में डालो तो कहीं ना कहीं जाके आप कुछ ना कुछ अचीव कर पाओ। तो सबसे पहली जो चीज़ है हमें जो अपनी लाइफ में जोड़नी है, जो मेरे 18-20 साल के भाई हैं यहीं से शुरू कर दें इन चीज़ों को डालना। तो सबसे पहली चीज़ है स्टे पॉजिटिव एंड फोकस्ड, मतलब कि ज़िंदगी में हमेशा एक तो पॉजिटिव रहो और दूसरा फोकस्ड रहो अपने कैरियर को लेकर, अपने किसी गोल को लेकर। पॉजिटिव कैसे रहना है कि कई बार क्या होता है कि हमारे कम मार्क्स आए या हमारे साथ कोई इस एज में होता है ना कि ब्रेकअप हो गए, दोस्त कोई छोड़ के चला गया, तो हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत गलत सोचने लगते हैं। हमेशा पॉजिटिव सोच रखो, एक सोच बना के रख लो अपने दिमाग में कि जो भी होगा ना अच्छे के लिए होगा। जैसे हमारे घर में हमारे फादर हैं ना, कुछ भी करते हैं तो हमारे अच्छे के लिए करते हैं। हो सकता है हमें कुछ टाइम के लिए बुरा लगे कि ये ऐसे क्यों करे, जब हमारे स्कूल में एडमिशन कराया हमारा तो हमको बुरा लगता है क्यों करा रहा हमारा बाप हमारा एडमिशन, हम तो अच्छा खासा घर पर मजे करते थे, खेलते थे, लेकिन वो हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं। इसी तरह से एक और फादर है पूरी दुनिया का, वो है भगवान अल्लाह, जो भी आप पूछते हो। तो आपके साथ जो भी चीज़ हो रही है, जो भी सर्कमस्टांस, अगर आप किसी बुरे फेज़ में हो, बैड फेज़ में हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको कुछ ना कुछ लेसन देगा। तो वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, वो आपके एक्सपीरियंस में ऐड होगा। तो कभी भी अपने आप को ये नहीं सोचना यार मेरे साथ क्यों हुआ, मैं अब क्या करूँगा। हमेशा सोचना है कुछ भी बुरा हो रहा है, अपने दिमाग में एक चीज़ रखनी है, ये अच्छे के लिए हुआ है, दैट्स इट। वो जो मेरा फादर है ना ऊपर, जो मेरे पूरी दुनिया को चलाने वाला जो एक फादर है, जो बाप है, वो ऊपर बैठा है, वो अपने बच्चों के साथ कभी गलत नहीं कर सकता। तो जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, मैं डिप्रेशन में था, कभी सुनाऊंगा स्टोरी आराम से। वो जब टाइम पे चीज़ें हो रही थी ना, तो मुझे भी ऐसे लग रहा था कि ये क्या हो गया मेरे साथ। अभी जब निकल गया हूँ, बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली हैं, तो अभी ऐसे लगता है कि अच्छा हुआ मेरे साथ वो हुआ, अगर वो नहीं होता तो आज शायद मैं यहाँ नहीं होता। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। दूसरा फोकस रहना, हमेशा एक गोल चुन लो, चाहे आपका बॉडी बिल्डिंग है, चाहे आपको IAS बनना है, चाहे आपको PCS बनना है, चाहे आपको पायलट बनना है, कुछ भी करना है, फोकस्ड रहो और अपने गोल की तरफ चलते जाओ, कुछ भी होता जा रहा है अच्छे के लिए होगा। एक अटैम्प्ट में नहीं निकला एग्ज़ाम, कोई बात नहीं, दूसरे अटैम्प्ट में नहीं निकला, कोई बात नहीं, तीसरे अटैम्प्ट में निकलेगा, कुछ ना कुछ आपका भला होगा हर चीज़ में। दूसरी चीज़ आती है हमारी हेल्थ एंड वेल्थ, इसको हमें पहली प्रायोरिटी देनी है पूरी ज़िंदगी में। अपनी हेल्थ को अच्छा रखना, अपनी वेल्थ को अच्छा रखना। हेल्थ माने हमारा शरीर, वेल्थ माने रोकड़ा पैसा। तो हेल्थ आप अपनी अच्छी रखेंगे, क्या होता है ना कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो लोग हमें हमारी हेल्थ से जज करते हैं, हम दिखते कैसे हैं। अब सपोज़ करो मेरे पास करोड़ों अरबों रुपये हैं और दिखने में मैं अच्छा नहीं हूँ, तो मुझे बताना पड़ेगा लोगों को कि मैं इतना रईस हूँ, उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ। लेकिन अगर मेरी हेल्थ अच्छी है और मैं एक झोंपड़ी में रहता हूँ, अच्छे कपड़े पहनता हूँ और हेल्थ मेरी अच्छी है, बॉडी मेरी अच्छी है, तो मैं किसी भी पार्टी में, कहीं भी, कॉलेज में, स्कूल में, कहीं भी अलग से दिखूंगा और लोग खुद मेरे पास आएंगे, लोग मुझसे बात करना चाहेंगे, यार इंसान की पर्सनालिटी कितनी अच्छी है, इसकी हेल्थ कितनी अच्छी है, इसके फेस पर ग्लो कितना है। तो इस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है। आप कुछ भी करते हैं, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं, कॉलेज जाते हैं, मेक श्योर आप अपनी हेल्थ को पहली प्रायोरिटी दें। अच्छा अच्छा खाना खाएं, दिन में एक घंटा, चाहे आप योगा करें, चाहे आप वर्कआउट करें, वर्कआउट समझ में नहीं आता कैसे करना है तो मेरा फिटनेस चैनल देख लें, राजवीर फिटनेस सीरीज़ नाम से, वहाँ प्लेलिस्ट में सब कुछ डाला हुआ है, वहाँ से आप वर्कआउट कर सकते हैं। तो मेक श्योर हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें। हेल्थ अच्छी है तो वेल्थ अपने आप अच्छी हो जाएगी, वेल्थ अच्छी है तो मे बी हेल्थ अच्छी ना हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसा है लेकिन तंदुरुस्त नहीं है, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। कितने बड़े बड़े लोग हैं, हाई शुगर है, डायबिटीज़ है, किसी को हार्ट फेलियर हो रहा है, पैसे वाले हैं लेकिन हेल्दी नहीं है। हेल्दी हो तो पैसा आज आ ही जाएगा, आज ना तो कल आ जाएगा, मेहनत कर लोगे, कैपेबल होगे मेहनत करने के किसी भी फील्ड में। तो हेल्थ एंड वेल्थ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। तीसरा एंड बहुत इंपॉर्टेंट, 20-21 साल के बच्चों के लिए, स्टे अवे फ्रॉम द गर्ल्स, लड़कियों से दूर रहना भाई। पहली चीज़ तो मैं यही बोलूँगा, अब आप बोलोगे ये क्या बोल रहा है साला। अगर आप नहीं भी रहना चाहते हो, आप किसी रिलेशन में हो, आपकी कोई दोस्त है, तो मेक श्योर जो आपने फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला है ना, स्टे फोकस्ड। आपका कोई गोल है कि आपको NDA में जाना है, आपको इंजीनियर बनना है, या आपको डॉक्टर बनना है, या आपको वकील बनना है, तो वो जो आपका गोल है ना,
बिकॉज ऑफ गर्ल, बिकॉज ऑफ लड़की वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है आप पढ़ाई करने बैठे हैं, आपने आज सोचा कि मेरा एग्जाम है मैं 3 घंटे पढ़ाई करूंगा, तो आप जो 3 घंटे पढ़ने बैठे ना, लड़की का फोन आया कि घूमने चल रहे हैं, पिज्जा खाने चल रहे हैं, कुछ भी, आपको वहाँ ध्यान ना देके यहाँ ध्यान देना। अब आपका कोई एक ऐसा इंसान है जिसको तो साले को कुछ पता ही नहीं है रिलेशनशिप का। भाई अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी हो ना अभी से 20-21 साल के, और आप चाहते हो इस लड़की के साथ आप शादी करोगे, तो अगर ये लड़की आपके साथ ट्रू लव करती है या ट्रू रिलेशनशिप में है, तो जब आप अपने फोकस को पहली प्रायोरिटी दोगे ना, तो ये लड़की आपका साथ देगी कि नहीं जाना मॉल, नहीं खाना पिज्ज़ा, नहीं करना कुछ भी, तू पहले अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, तू अपने फोकस पे ध्यान दे, ताकि हमारा जो आने वाला फ्यूचर है वो सेफ हो जाए, वो अच्छा रहे। अब सपोज़ करो आप अपने फोकस पे ध्यान दे रहे हो, अपने गोल पे ध्यान दे रहे हो, और आप लड़की के चक्कर में वो गोल छोड़ देते हो, घूम रहे हो, रोज़ मूवी देख रहे हो, लड़की को घुमा रहे हो, और आप वो गोल अचीव नहीं कर पाए, तो कल को लड़की कहेगी मुझे तो डॉक्टर से शादी करनी है, और आप डॉक्टर बन नहीं पाए, तो लड़की दूसरे डॉक्टर से शादी करेगी ना, तो लड़की दूसरे डॉक्टर से शादी कर लेगी ना, उसके माँ बाप क्या कहेंगे, ये तो कुछ करता ही नहीं है, इससे हम तेरी शादी क्यों करें। तो जिसके चक्कर में आपने गोल छोड़ा वही निकल गया, तो फ़ायदा क्या। तो ये समझाना चाह रहा हूँ सारे छोटे भाइयों को कि जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आपका गोल होना चाहिए, आपका सक्सेस होना चाहिए, आपका करियर होना चाहिए, उसके बाद लड़की। अगर ना ही पढ़ो इस चक्कर में तो ज़्यादा बेटर है, अगर पढ़े हुए हो तो पहली प्रायोरिटी आपका गोल होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है, रिस्क लेना सीखना पड़ेगा। देखो या तो पढ़ाई करो, कॉलेज करो, उसके बाद नौकरी पे लग जाओ, 10-12-15 हज़ार की, 50 हज़ार की, 1 लाख की, और नॉर्मल ज़िंदगी जैसे हर इंसान जी रहा है वैसे जियो। अगर आपको कुछ अलग करना है ज़िंदगी में, सपोज़ करो आपकी ग्रेजुएशन ख़त्म हो गई और आपको IPS बनना है या IAS बनना है, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क किस चीज़ का, टाइम का, कि आपको 2-2.5 साल पूरी दुनिया से अलग होकर एक तपस्या करनी पड़ेगी उस दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया को छोड़ के आपको अपनी एक दुनिया बनानी पड़ेगी जिसमें सिर्फ आप होंगे और आपके गोल्स होंगे, दैट्स इट। तो ये रिस्क है कि आप वो एग्ज़ाम क्रैक कर पाओ या ना कर पाओ, या तो आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये दो ही चीज़ें। तो अगर आप रिस्क लेने की हिम्मत रखते हो, सपोज़ करो आपने रिस्क ले लिया 2 साल का कि मैं 2 साल किसी से नहीं मिलूंगा, सिर्फ अपने IAS के एग्ज़ाम पे ध्यान दूंगा, या अपने बिजनेस पे ध्यान दूंगा, या मैं कुछ भी ऐसा करूंगा दुनिया से हट के, 2 साल का टाइम दे दो। मैं कह रहा हूं कि किसी भी चीज़ में आप कुछ भी कर रहे हो, 1.5-2 साल अपनी ग्रेजुएशन के बाद दुनिया को भूल जाओ, किसी भी चीज़ में आप टाइम दे दो 2 साल का, 2 साल के बाद सारी ज़िंदगी मज़े की कटेगी। तो आप रिस्क लोगे, सपोज़ करो आपने रिस्क लिया 2 साल का और आपने बहुत पढ़ाई की और आप IAS बन गए, तो आप उस पूरी दुनिया से कुछ अलग कर गए, अपनी समाज में, सोसाइटी में अलग पहचान बना गए, सारी दुनिया आपको सैल्यूट करेगी। अब रिस्क लेने में क्या होता है, या तो आप जीतते हो या कुछ ना कुछ सीखते हो। तो रिस्क कैसे लेना, आपका कोई भी पैशन है, कोई भी हॉबी है, उसको आगे लेके जाना है, 1.5-2 साल उस पर हार्डवर्क करना, रिस्क लेना है सारी दुनिया से अलग करने के लिए। मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और आज की डेट में मुझे एज अ फिटनेस यूट्यूबर जाना जाता है, बिकॉज़ मेरा जो फिटनेस चैनल है उस पर अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं मेरे। तो मैंने मेहनत की ना मेरे यूट्यूब चैनल पे, रिस्क लिया ना, जॉब ना करके मैंने यूट्यूब को चुना, तो रिस्क लिया 1 साल के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं पर अच्छी सक्सेस मिल गई है। अच्छी सक्सेस मिली तो मेरी एक अलग पहचान है कि राजवीर सिसोदिया इज़ अ यूट्यूबर, आगे भी और अच्छा नाम कर जाऊँगा, और मेहनत करूँगा और अच्छा नाम कर जाऊँगा। तो रिस्क लेने पे कुछ या तो सीखोगे या जीतोगे, ये फैक्ट है। चलते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो हम लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो ये करते हैं कि सबसे पहले ना आपको सीखना पड़ेगा अपनी मदद करना, अपनी हेल्प करना, दूसरों की नहीं। अब क्या होता है, सपोज़ करो मैं एक फिटनेस ट्रेनर बन जाता किसी जिम के अंदर, तो जिम में मैं कितने लोगों को पर्सनल ट्रेनिंग दे पाता, 10 लोगों को, 20 लोगों को, 20 तो घंटे भी नहीं होते दिन में, हद से हद 8 घंटे की जॉब अगर जिम में करता तो 8 लोगों को पर्सनल ट्रेनिंग दे पाता, तो वो मेरी उनको हेल्प हुई। लेकिन मैंने पहले अपनी हेल्प करी यूट्यूबर बनने में, कैमरा ख़रीदा, अच्छी नॉलेज ली, अच्छा एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद यूट्यूब चैनल चलाना शुरू किया। तो जब फिटनेस यूट्यूब चैनल के ऊपर आया तो यहाँ आगे मैं उस लायक बना कि मैं बहुत सारे लोगों की मदद कर पाऊँ। मेरे वीडियोस देख के, मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के साथ हज़ारों लोग ट्रांसफॉर्म हुए, तो मैंने बहुत ज़्यादा लोगों की मदद की। तो पहले आप अपनी मदद करो। देखो यार, अपना गुजारा तो जानवर भी कर लेते हैं, हमको भगवान ने इंसान इसलिए बनाया ताकि हम दुनिया में रह के इंसानियत की, इंसानों की मदद कर पाएँ, और वो हम जब कर पाएंगे जब सबसे पहले हम अपने आप को सक्सेसफुल कर बनाने में अपनी मदद करेंगे। पहले अपनी मदद करेंगे, अपने आप को उस लेवल पे ले जाएंगे कि हम बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकें। अब सपोज़ करो मैं 10 लोगों की हेल्प करने की मेरी नीयत है,
और मैं उन्हीं 10 लोगों को हेल्प करने में लगा रहा हूँ, और अपनी हेल्प ना करूँ अपने आप को सक्सेसफुल बनाने में, तो उन 10 लोगों की हेल्प करूँगा और खुद कंगाल हो जाऊँगा, तो वो 10 लोग भी मुझे नहीं पूछेंगे, पागल है साला। मेरी हेल्प से वो 10 लोग तो कुछ कर गए, लेकिन मैं ज़ीरो हो गया, तो वो जिन 10 लोगों की मैंने हेल्प करी ना, वो भी मुझे नहीं पूछेंगे। तो हमको इस लायक बनना है अपनी हेल्प करके, अपने आप को उस लेवल पर पहुंचा के कि हम बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पाएँ और हम फिर भी एक सक्सेसफुल इंसान रहें। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ और मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत लोगों की कर दी, अब मैं और बहुत लोगों की कर सकता हूँ। तो सबसे पहले अपनी हेल्प करनी है, देन उसके बाद दूसरों की हेल्प करने के बारे में सोचना। 6 पॉइंट जो है हमारा 20 साल के बच्चों के लिए, 21 साल के बच्चों के लिए जो अभी अभी नई जवानी में एंटर कर रहे हैं, भाई मेक लेस फ्रेंड्स बट बेस्ट फ्रेंड्स। क्या होता है, देखो दोस्त हमारी ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन क्या होता है कि हम बहुत सी बार, क्या होता है मेरे साथ भी ये चीज़ हुई है कि बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल हो जाता है, अब सबके बर्थडेज़ में भी जाना है, सबकी लड़ाइयों में भी जाना है, सबके घर में शादियाँ उनमें भी जाना है, तो बहुत ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट होता है, जिससे कि हम हमारे कैरियर पर फोकस नहीं कर पाते और बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ों में फंसे रहते हैं। 100 लोगों से ज़्यादा बेटर है एक दोस्त होना, लेकिन सच्चा होना। अब क्या होता है ना कि कम एज के बच्चे हैं, दोस्त बहुत सारे बनाए हुए, कहीं से बैक बिचिंग हो रही, कुछ सुनने में आया, डिप्रेशन में चले गए, उसने ऐसे कर दिया, उसने कैसे कर दिया, उसके साथ ऐसे हो गया, तो उस चीज़ के अंदर ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा फचड़ों में हम फंसे रहते हैं। मैंने ये चीज़ मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस की है कि भाई उसकी भी मदद करने जाओ, उसके दुख में भी जाओ, उसके सुख में भी जाओ, तो हमको इस चीज़ से खुद को बचाना है। 2-4-6 दोस्त हों, बहुत अच्छे दोस्त हों, बहुत सपोर्टिव हों। अब ये ना कि जब हमारे दोस्त फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है तो हम सारे लोगों के लिए खड़े हैं, और हमारे लिए कोई भी नहीं खड़ा जब हमारा बुरा टाइम आया या हमारा हम ऐसे फेज़ में आए कि हमें दोस्तों की ज़रूरत है और तब कोई नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग हो जाता है। तो ऐसे लगता है दोस्तों मेरे इतने सारे थे, आज मेरे साथ कोई नहीं है। तो जब लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्रेंड हमारे पास होंगे ना, 4 दोस्त होंगे, 5 दोस्त होंगे, और ये हमेशा हर टाइम खड़े रहेंगे तुम्हारे साथ, तो तुम्हारे दिल को भी ये सेटिस्फेक्शन होगी कि मेरे पास एटलीस्ट जितने भी दोस्त हैं वो अच्छे दोस्त हैं, सपोर्टिव हैं, हमेशा मेरे सुख में, हमेशा मेरे दुख में मेरे साथ खड़े हैं। तो हमेशा ज़िंदगी में ये चीज़ रखना याद, तो हमेशा ज़िंदगी में ये चीज़ याद रखना कि दोस्त बनाओ तो अच्छे बनाओ, 2-4-6 दोस्त बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ की ज़रूरत नहीं है, भीड़ को दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं है, 2-4-6 दोस्त बनाओ और अपने टाइम को अपने करियर की तरफ लगाओ। तो ये 6 वो चीज़ें हैं, मैंने किसी किताब से नहीं पढ़ी हैं, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मेरी लाइफ में मैंने कुछ खोया है इन चीज़ों की वजह से, और जब इन चीज़ों पर अमल करना शुरू किया, मतलब जब इन चीज़ों को ध्यान में रखना शुरू किया, तो बहुत कुछ पाया भी है। आई एम श्योर आपको भी कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी अगर आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं। तो गाइज थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी ना टक्कर में, बाय। तुम्हारी टक्कर में भी कोई नहीं रहने वाला, ये चीज़ें अपनी लाइफ में आज से डाल लेना।